हेलो दोस्तों, कमलेश इलेक्ट्रिशियन में वेलकम बैक है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, हम लोग गार्डन पे लाइट लगाने आए हैं। गार्डन लाइट लगाएंगे, आपको बताते हैं। ये वोडल लाइट बोलते हैं इसको गार्डन के लिए, और उसके बारे में आज टॉपिक है और कैसे इंस्टॉलेशन करने इसको तरीका है और इसका क्या क्या फ्यूचर है, आपको बताते हैं ये गार्डन लाइट के बारे में। ठीक है, आपको लेके चलते हैं। हमारे पास पूरा गार्डन पे यूज करने वाले हैं और हम लोग गार्डन पे गार्डन लाइट इसी को यहाँ पर लगाने वाले हैं। ये कहाँ कहाँ लगेगा देखिए, यहाँ पर हमारा पॉइंट है। इस एरिया में हमारा पूरा जो रेड कलर का जो यहाँ बना गया है, जो पेड़ लगा, पौधा छोटा छोटा, तो हम लोग उसी एरिया में हम लोग लाइट लगाएंगे। यहाँ पर 3 डालेंगे और उसके बाद वहाँ 2 डालेंगे और यहाँ पर पॉइंट है हमारा 2 पीस यहाँ लगेगा। हमारे पास टोटल जो है मटेरियल है 26 पीस का है, छोटा बड़ा करके टोटल। और हम आपको यहाँ पर पूरा इंस्टॉलेशन करके बताएंगे कैसे तरीके से यहाँ पर गार्डन पे हमारा लाइट जो है यूज करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे पास ये गार्डन लाइट है और ये गार्डन फ्रेंड्स, इसको गार्डन लाइट, इसको ब्लड लाइट बोला जाता है। हम लोग जो है गार्डन पे यूज करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर हमारा जो है हाइट, इसका बताते हैं। 2 पीस का हमारा, 2 पीस है हम लोग का। तो ये एक हमारा 20 इंच का, देखिए 20 इंच का है, और दूसरे वाला पीस जो है ये हाइट में ज़्यादा है, तो हमारा ये 30 इंच का है, देखिए यहाँ पर। और इसको हम लोग गार्डन पे कहाँ पर यूज़ करेंगे आपको बता भी देंगे, इसको कैसे तरीके से इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रेम नहीं है यहाँ पर इसमें, तो इसमें खाली हम लोग को स्क्रू लगाना है, दो स्क्रू लगाना है इसमें। देखिए यहाँ पर हमारा दो, यहाँ पर 4 नट का पॉइंट है और चारों नट के लिए हम लोग फ्रेम बना रहे हैं। आपको फ्रेम भी बता देंगे इसको कैसे तरीके से बनाना है। इसके लिए 4 फ्रेम, तो हम क्या किए हैं, 2 नट बोल्ट में काफ़ी हो जाएगा। 10-12 नंबर का बोल्ट लगा देने से भी ये काफ़ी हमारा हेवी हो जाएगा। तो पहले इसके लिए क्या क्या पोजीशन करेंगे आपको कुछ देर के बाद आपको दिखा देंगे इसको। पहले तो आपको लाइट के बारे में बता देते हैं कैसे तरीके से हमारा लाइट जो है वर्क करेगा। इसी हमारा तीसी में हम लोग होल्डर टाइट करेंगे, ये हमारा क्लैंप है, इसमें से हम लोग होल्डर टाइट करेंगे। इसका होल्डर जो है हमारे को अलग से रखा गया है, उसको हम आपको बताते हैं होल्डर कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर हम आपको होल्डर के बारे में बताना चाहते थे। यहाँ पर होल्डर जो है, यहाँ पर चूड़ी वाला बल्ब लगेगा और यहाँ पर लोकल में नहीं मिलता, जहाँ पर इसको परचेस करेंगे वहाँ से हम लोग को ख़रीदना पड़ेगा होल्डर जो है। कोई सा भी कलर, वॉर्म वाइट, नेचुरल वाइट, कोई सा भी लगा सकते हैं इसमें। 9 से 12, 15, 16 कितने भी वाइट अपन लगा सकते हैं। ठीक है, होल्डर इस तरीके से लगने वाला है और हम इसको जो है ऐसे ऊपर की तरह इसको डाल देंगे। और यहाँ पर हमारा लिंकी नट है, देखिए यहाँ पर पॉइंट है, दो पॉइंट को खोलना है, यहाँ पर सीरिया में पॉइंट करना है। तो ऐसे तरीके से यहाँ पर हमारा नट जो बोल्ट यहाँ खोलना है इसको, उसके बाद ये फिटिंग हो जाएगा। देखिए कुछ देर दिखाते हैं, ये एलिंकी नट है और एलिंकी नट इसका बिना एलिंकी पाने का खुलेगा नहीं, तो हम लोग हल्का सा हाथ में अभी खोल लेते हैं। देखिए ऐसे तरीके से इसको फिटिंग करना है। देखिए ये हमारा लाइट जो है फिटिंग हो गया और इसको हम लोग जाम करेंगे जहाँ पर इसको लाइट जो पॉइंट करेंगे। देखिए ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया और इधर से हम लोग पॉइंट लेंगे और यहाँ पर वायरिंग कर देंगे। यहाँ पर केबल वायर गया हुआ है और इसको कैसे तरीके से जम्फर बनाएंगे आपको लेके चलेंगे। यहाँ पर हम लोग जम्फर जो पॉइंट बना रहे हैं, और पहले तो आपको इसके बारे में बता देते हैं। ये ऐसा लग गया, उसके बाद हमारा लाइट जो फोकस है, देखिए ये हमारा, ये पहला वाला जो 30 इंच का है हमारा, आपको तो बता दी इसके बारे में। और उसके बाद हम आपको बताते हैं 20 इंच वाला। ठीक है, 20 इंच वाला बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा 20 इंच का है, इसको कैसे तरीके से इसको ओपन करेंगे और इसको कैसे तरीके से लगाएंगे वो आपको बताते हैं। पहले हमारा स्क्रू ड्राइवर से यहाँ खोल लेते हैं। ओके, चलो अब इसके बारे में आपको बताते हैं, इसको हम लोग ओपन करते हैं, इसमें कैसे तरीके से होल्डर लगाया गया है और कैसे तरीके से लाइट लगेगा उसके बारे में आपको देखते हैं। यहाँ पर नट है 2 पॉइंट हमारा, एक और दूसरा। ठीक है, इसको हम लोग ओपन कर, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा होल्डर जो लगा हुआ है,
अलग से इसका फ्रेमिंग बन के यहाँ पर स्टैंड में बना गया है। तो ये हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से बना गया है और अच्छे लुक में भी लग रहा है और हेवी भी है। मटेरियल जो हमारा प्लास्टिक नहीं होता, मेटल बॉडी में बना गया है और पीवीसी में हमारा खाली ये जो हमारा लाइट का पीवीसी है वो पॉइंट है, खाली पीवीसी है, हमारा मेटल बॉडी है पूरा। देखिए मेटल बॉडी है और काफ़ी हेवी लग रहा है और ये वाटरप्रूफ भी है, इसमें पानी जाने का कोई संभावना है ही नहीं। और देखिए यहाँ पर हम ला रहा दो पॉइंट है और ये होल्डर पॉइंट है, यहाँ पर ये होल्डर पॉइंट है और ये यहाँ पर पॉइंट जोड़ना है, इन हमारा इनपुट पॉइंट रहेगा। उसके बाद हमारा लाइट जो है यहाँ पर आराम से यहाँ लग जाएगा, ऐसे तरीके से लगेगा। देखिए ऐसा तरीके से ये लगा और ये वायरिंग हो गया अंदर में। उसके बाद हमारे को वर्क जो मिलेगा, लाइट का जो ग्लो है यहाँ पीवीसी से मिलेगा, ठीक है। ये हमारा पीवीसी, ये मेटल है, दोनों का मेटल है, आपको ये देख सकते हो दोनों भी मेटल जो हमारा, ये मेटल है, ये हमारा पीवीसी है। तो पीवीसी से अपने को लाइट मिलेगा और कहाँ पर ये गार्डन में लगने वाले आपको लेके चले हमारे गार्डन पे, इसको कैसे तरीके से आपको फिटिंग करेंगे आपको उसके बारे में बताइए। देखिए हमारा यहाँ पर प्यारा सा गार्डन बना गया है, तो यहाँ पर गार्डन में इसी के लिए हम लोग गेट लाइट लगाने, यहाँ पर गार्डन लाइट लगाने आए हैं और इसको आपको कैसे तरीके से लगाएंगे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंट है, तो हम यहाँ पर पॉइंट बना गया नहीं है, तो हम पहले ऐसे तरीके से इसको गार्डन में रखेंगे। देखिए ऐसा इसको जो हम लोग है अंडरग्राउंड करेंगे वायरिंग, अभी तो खाली आपको बता रहे हैं ऐसे तरीके से रखेंगे बोल के। तो देखिए यहाँ पर ऐसे गार्डन लाइट जो लगाने के पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो है ये एरिया में रखेंगे तो पहले तो हम लोग को चेम्बर बनाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर लाइट, इसका पॉइंट है यहाँ पर नट का, समझे, इसका नट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर चार ठो नट पॉइंट है, ठीक है, चारों एरिया का नट पॉइंट है, तो हम चारों एरिया के लिए हम लोग को ये बनाना पड़ेगा, चेम्बर बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो है उसके बाद जो है वायरिंग करना पड़ेगा। इसको हम लोग अंडरग्राउंड वायरिंग करेंगे, अब वीडियो पर बने रहिएगा तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा इसको कैसे तरीके से वायरिंग करना है और कैसे तरीके से पाइप लाइन बिछाना है, कौन सा वायर लगाना है, ठीक है। पहले आपको इसके बारे में चेम्बर बता देते हैं, जहाँ पर हम लोग चेम्बर के लिए गार्डन लाइट के लिए, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर नट पॉइंट है, ये हमारे को नट पॉइंट इंच की है, 12-13 नंबर का नट बोल्ट, ताकि अपने को यहाँ पर ये कभी निकालना रहे तो इसको आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ढांचा बन गया रेडी और हम लोग इसको जो सेंटर है यहाँ से इसको मार्जिन कर लिए थे, तो 6 इंच में था, तो मिस्त्री हमारा बना रहा है, देख सकते हो यहाँ ऐसा ढांचा बनाना है, कम से कम 26 ढांचा, तब जाके हमारा ये गार्डन लाइट जो है लगेगा। देखिए ऐसा तरीके से इसको लगाना है, यहाँ पर पॉइंट है, देखिए ऐसा तरीके से पहले आपको ढांचा बनाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से हम लोग वाशर डाल के यहाँ पर नट टाइट कर लेंगे, जो फ्रेम बनाना है, तब जाके अपने को यहाँ पर फिटिंग होगा। देखिए यहाँ पर एक ढांचा बनने के बाद जो है इसका नट दोनों तरफ से टाइट कर देंगे, ये हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया, इसका वायरिंग निकालना था, ठीक है, तो हम वायरिंग कैसे तरीके से निकालेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। इस तरीके से अपने को फ्रेम बनवाना है, ढांचा जो रेडी करके सीमेंट और गिट्टी का, उसके बाद दो नट बोल्ट डाल देना है और बीच से अपने को होल करना है, ठीक है, वो हम लोग उसमें छोटा छोटा होल किए हैं, उसमें तो चाहिए नहीं कम, दो वायर के लिए हो जाए। यहाँ पर हम लोग को पाइप को लेके जाना है जहाँ पर बेंड निकालना है, तो ऐसे तरीके से इसको पूरा यहाँ का देखिए कैसे तरीके से वो बना रहे हैं। इसको बनने के बाद जो हम लोग लाइट फिटिंग करेंगे, देखिए दोस्तों गार्डन के लिए अपन जो पाइप यूज करने वाले यहाँ पर 20 mm का, यहाँ पर 1.5 mm है हमारा, 20 mm का ये साइज़ है। देखिए यहाँ पर, यहाँ 1.25 बोलते हैं, और एक अपने को केबल चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 कोर केबल हम लोग यूज कर रहे हैं, 2 कोर मार्केट में नहीं था, तो हम लोग 1.5 mm का केबल यूज करने वाले हैं। ये वाटर प्रूफ के लिए काम करेगा, क्योंकि सिंगल वायर डालेंगे तो वो वायर जो हमारा ख़राब हो जाता है बहुत जगह, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर केबल वायर यूज करते हैं, ताकि अपने को वायर जो है लंबे टाइम तक ये चले। और देखिए 3 कोर वायर है और MPS कंपनी का, ये देखिए 1.5 mm का वायर है, अपन को मिला 3 कोर और 90 मीटर, ठीक है, तो हम लोग ऐसे 90 मीटर का 3 बंडल लेके आए, ताकि काफ़ी बड़ा है देखिए यहाँ पर, तो उसके लिए वायर जो है बहुत सारा लग रहा है। उसके बाद आपको बताता हूँ एक बैंड भी चाहिए अपने को, एक बैंड है 20 mm का भी, और कैसे तरीके से लगा हुआ है आपको बताते हैं। देखिए इस तरीके से अपन उस दिन चेम्बर आपको अभी बताया वीडियो में, ऐसे तरीके से चेम्बर बनाया, तो बीच पॉइंट में हम लोग बैंड डालें, ठीक है, तो इसी से हमारा वायर आएगा
और इनपुट सेक्शन ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा जो स्विच बोर्ड रखने वाले वहाँ पर जो जहाँ पॉइंट रखेंगे। और ऐसे तरीके से यहाँ से बैंड लगा के हम लोग नीचे की तरह होल कर दिए, उसके बाद दूसरे सिरे से लेके जाएंगे इसको। और देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पर दो बैंड कर दी। देखिए यहाँ पर एक इनपुट आएगा फिर उसके बाद आउटपुट जाएगा। कैसे तरीके से इसको वायर डालते हैं आपको दिखाते हैं। और पूरा ऐसे तरीके से यहाँ पर से चार लाइन है तो चारों में ऐसे तरीके से बना गया है। देखिए ऐसे तरीके से यहाँ भी बैंड निकाल दिए दोनों। आपको वायर दिखाते हैं जैसे वायर कैसे तरीके से इसको डालना है। देखिए हमारे के काम कर रहे हैं, अब आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा केबल, देखिए इस तरीके से अपन को जो यहाँ पर बैंड है तो केबल वायर कैसे डालना है। देखिए हम लोग बैंड और पाइप इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारा वायर जो है इसका लाइफ जो है और बढ़ जाएगा अपने को। ऐसे खाली भी लिए ऐसे डाल देंगे ज़मीन के नीचे तो हमारा केबल जो है जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए, वहाँ पर एक पाइप लाइन कर दिए। और यहाँ पर देखिए पॉइंट में हम लोग निकाल देंगे, यहाँ पर लंबा ही हो गया था इसलिए वायर नहीं जा पा रहा था, तो हम लोग फिर से यहाँ से निकालते हैं। देखिए उसके बाद आपको बताता हूँ यहाँ पर हमारे पॉइंट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बैंड है तो ये बैंड में हमारे को केबल आ जाएगा। देखिए कुछ देर के बाद आपको दिखाते हैं, वो पुश कर रहा है धीरे धीरे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा बैंड से आ जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमारा वायर आ चुका। हल्का हल्का पुश करने के बाद जो है वायर को अब इसको मिला लेते हैं, दोनों वायर को दोनों पॉइंट मिला लेते हैं। और पीछे का देखिए वायर एक्स्ट्रा हो गया, इसको लेबल कर लेते हैं दोनों पॉइंट को। और दोस्तों इसमें जो ये वाला पॉइंट जो है हम एक साल में एक ही बार यूज करेंगे, तो हम क्या करें यहाँ पर नट बोल्ट डालें ना, उसके बाद हम लोग बाहर कर लेंगे नट बोल्ट को। और उसके बाद अपने को लाइट को भी बाहर करना है तो यहाँ पर हम लोग मेल फीमेल लगा देंगे, ठीक है, ताकि अपने को वायरिंग में आसानी हो जाए लाइट लगाने में। मेल फीमेल कनेक्ट किए उसके बाद हमारा लाइट ऑन हो जाए। तो थ्री कोर में अपन ये वाला पॉइंट में टू पिन का मेल फीमेल लगाएंगे। चलो यहाँ पर हो गया हमारा वायर पॉइंट, उसके बाद और उधर बचा हुआ है तो उसको करते करते पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको बताएंगे इसको कैसे तरीके से वायरिंग ज्वाइन करना। देखिए ऐसे तरीके से डालना है तो उस सिरे में हमारा पॉइंट जाएगा, वहाँ पर जो है पॉइंट है। देखिए दोस्तों इस गार्डन का हमारा वायर हो गया कंप्लीट। ये हमारे को यहाँ से इनपुट लेके जाना है वहाँ, इसमें भी वायर आ चुका। देखिए एक एक फीट का वायर हम लोग बाहर कर दिए और यहाँ का पूरा गार्डन का पूरा वायरिंग कर दिए। अब वहाँ पाने को बच, देखिए दोस्तों हम लोग एंट्री में भी जो हम लोग यूज करेंगे पूरा यहाँ से पॉइंट हमारे को निकाल के रखें। देखिए आपको बताते हैं एंट्री से, बताते हैं आपको। देखिए हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ है, एक और एक यहाँ है। टोटल यहाँ से हमारा लंबाई है यहाँ से 50 फीट दूर। तो हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं चार पीस, देखिए ये पहला नंबर का और उसके बाद एक लाइन में यहाँ पर पॉइंट में यूज किए हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर दो यहाँ से सीधे निकाल दिए जैसे वहाँ आपको दिखाया गार्डन में, वैसे तरीके से इसको भी किया गया है। यहाँ पर पॉइंट करेंगे और उसके बाद फिर इससे दूसरा नंबर है ये, उसके बाद ऐसे तीसरा नंबर यहाँ, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर है और उसके बाद आपको चौथा नंबर यहाँ पर लेके जाते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर है हमारा और उसके बाद देखिए यहाँ पर अपन पूरा ये लाइन में जैसे किए ना, तो अब इधर भी हम लोग वैसे तरीके से किए हैं। और उसके बाद हम लोग का पॉइंट यहाँ पर लूपिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीन पॉइंट और इससे हम लोग लेके गए हैं दो, यहाँ पर और पॉइंट है आठ होने के बाद नौ और दस, दस पॉइंट हमारा लगेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे हमारे स्विच बोर्ड में। देखिए यहाँ पर खुदाई कर दिए, अब हम लोग लेके जाएंगे यहाँ पर स्विच बोर्ड पर। दोस्तों ये हमारा काफ़ी लंबा हो गया था वीडियो, तो अब इसके लिए आपको दूसरा पार्ट पे इसके बारे में ए टू जेड जानना है तो देखना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी लाइट लगाना बच गया है। चलो मिलते हैं दूसरे पार्ट पे दोस्तों, थैंक यू।